कि तूने मेरी कि तूने इतनी बरखट की दिल में इतनी बरखट की ये तूने क्या किया क्यों अब मारा मारा है नदियाँ और दूर नदियाँ और दूर इतना क्यों आ रहा है ये तूने क्या किया आज हमारा सेकेंड डे है और आज हम लोग डलहौजी से निकले हैं और धर्मशाला जा रहे हैं। बीच में हम लोग ने मिनी स्विज में साइट सीन किया, हॉर्स राइडिंग किया और हाँ बहुत मजा आया। हमारा खज्जर का एक्सपीरियंस बहुत ही मस्त था और आज हम जोध भी गए, वो हिल स्टेशन है, उधर भी बहुत मजा किया हमने। मास्क कहाँ है आपका? हमने हम घोड़ा गाड़ी कर रहे तो उतार दिया। नहीं है एक बेटा एक घुमाओ तो आपका मास्क कहाँ है? हमने पहना हुआ है। क्या कर रहे हैं आप लोग? ऊपर से चॉकलेट निकाल रहे हैं लेकिन चॉकलेट मिल नहीं रही है। ट्रैकिंग किया था तो एक सर घूम रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, वॉमिटिंग जैसा हो रहा है तो उसके लिए चॉकलेट निकाल। किसका सर घूम रहा है? राई कैमरा में फोटो दिखा, देखो कैमरा आया और स्माइल आ गई। ए राय बराबर थईगी। तो आज का हमारा स्टे जो है स्काई हेवन रिसोर्ट धर्मशाला में है, मैक्लोडगंज के पास में। मैक्लोडगंज में ये होटल है स्काई हेवन रिसोर्ट एंड दिस इज़ द रिसेप्शन। और इसका एंट्रेंस बहुत ही प्यारा है और काफ़ी लेट हो गया हमको आते आते, और अभी मैंने चेक इन किया है। हम लोगों ने 8:30-9 बज रहे हैं, हम लोगों ने अभी चेक इन किया है और मैं आपको मेरा रूम दिखा देता हूँ। और मैं आपसे कुछ ज़रूरी बात करना चाहता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ सरप्राइज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आज ये हमारा सेकेंड डे था हिमाचल टूर का और थर्ड डे का वीडियो जो है वो देखना मत भूलिएगा, बहुत ही स्पेशल है और कुछ खास है, कुछ सरप्राइज़ लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। फ़िलहाल तो ये है मेरा रूम जो मुझे मिला है आज, बहुत ही अच्छा होटल है स्काई हेवन रिसोर्ट, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा कभी आप अगर हिमाचल में आते हैं, धर्मशाला में आते हैं तो स्काई हेवन रिसोर्ट बहुत ही अच्छा लोकेशन पे है ये होटल और बहुत ही अच्छा होटल है। तो अभी के लिए तो फिलहाल गुड नाइट और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। देखना मत भूलना नेक्स्ट वीडियो, सच में बहुत ही स्पेशल होने वाला है, सस्पेंस है, कुछ बताऊँगा नहीं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले। और फिलहाल के लिए गुड नाइट।